तो सिर्फ डायलिसिस होगा या ट्रांसप्लांट होगा। ऐसे ही कैंसर में बोला जाता है कि तुम्हारी सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होगी और सर्जरी होगी और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फोर्थ स्टेज कैंसर है। तो लोग हिम्स को एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, जो हम पिछले 2 सालों से प्रोग्रेस देख रहे हैं। इसीलिए पहले एक हिम्स शुरू हुआ था जहाँ हम बैठे हैं, 11 जुलाई 2021 को। दिसंबर 2021 को दूसरा शुरू हुआ लखनऊ में, फिर उसके बाद तीसरा शुरू हुआ 2022 के अक्टूबर में मुंबई में, नवी मुंबई में, और चौथा शुरू किया हमने एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, यहाँ फोटो भी लगी हुई है, 1000 बेड का, जिसपे हमें वर्ल्ड बुक ऑफ यूनियन और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट भी मिला कि 1000 बेड का एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है। तो ये लोगों का प्यार है। लेकिन हम नहीं चाहते हॉस्पिटल खोलना, हमारा मकसद है लोग स्वयं घर पर खुद ठीक हो जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है नहीं, हमें तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही, या उनके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि हम तो दे सकते हैं। और वैसे भी हमारे हॉस्पिटल में चार्जेस बहुत मिनिमम है, मतलब हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं। और हम लोगों ने एक हिम्स बिल्कुल फ्री भी शुरू कर दिया जलंधर में। जलंधर में जो डीएवी कॉलेज जलंधर है, वो इंडिया का सबसे पुराना आयुर्वेदिक कॉलेज है। वहाँ पर कोई भी पेशेंट जब हमारा जाता है तो वहाँ 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, टोटल फ्री होता है। दूसरा, अभी जो हम ज़्यादा काम कर रहे हैं वो 4 मुख्य बीमारियों पे कर रहे हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम। ये 4 पेशेंट ज़्यादातर आते हैं, बाकी आते सब तरह के लोग हैं, डायबिटीज़ वाले भी आते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी आते हैं, इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज है या सोराइसिस वाले लोग भी आते हैं, लेकिन मेजरली ये 4 लोग आते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे लोग जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी एक पेशेंट है मेरे पास गाजियाबाद की, जिनको एक डॉक्टर ने बोला कि आप 15-20 दिन के मेहमान हैं, और डॉक्टर 3 महीने बाद मर गया, पेशेंट को 1.5 साल हो गया हमारे हॉस्पिटल में चलते हुए। मतलब डॉक्टर साहब नहीं है, अभी डॉक्टर साहब की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो मेरा खैर मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन मजब मुझे समझ नहीं आता, डॉक्टर के अब से ज्योतिषी बन गए कि तुम 15 दिन के मेहमान हो, तुम 5 दिन के मेहमान हो, तुम 6 महीने जियोगे, ऐसे बोल के वो डरा देते हैं। और पेशेंट डर के अपना सारा कुछ बेच बाज के, अपना पैसा लगा के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी निराशा आने लगती है। जैसे वो भाई साहब ने बोला, तो अगर हम उनसे पूछें तो उनका आराम से लाखों रुपये लग गया होगा, और पैसा भी लग गया और फिर उपाय नहीं मिला, तो इंसान को अपने आप को ठगा हुआ फील होता है। तो हमें लगता है कि इस देश में एजुकेशन की ज़रूरत है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, पार्कों में, हर जगह एजुकेशन चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़ें, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बने। और उसी कड़ी में डॉक्टर साहब लगभग 30 बुक्स लॉन्च कर चुके, 30वीं बुक है, और डॉक्टर साहब ने 30 बुक लिख दी तो मेरे भी मन में आया मैंने भी पहली लिख दी है, तो बड़ी जल्दी मैं उसको लॉन्च करने वाला हूँ। और मैंने उसका नाम भी, डॉक्टर साहब ने उसका नाम भी रखा है एक्सीडेंटल डॉक्टर, मतलब धक्के से बना हुआ डॉक्टर, क्योंकि मैं तो अपना इलाज करने गया था, मैं इस फील्ड में बाई चांस आया था। अपना इलाज करते 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 आज हॉस्पिटल्स खुल गए, दुनिया के इलाज हो रहे हैं। तो एक मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मीडिया के थ्रू हर जगह एक बात फैलाओ, हर पेशेंट को बोला करो कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, क्योंकि कई बार पेशेंट के पास पैसा नहीं होता, हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है। अब वो दोनों जगह चलता है, आयुर्वेद में भी चलता है और एलोपैथी में भी चलता है, सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। तो नया हेल्थ इंश्योरेंस कराएं ताकि वो हमारे पास कम से कम आए तो उसका पैसा नहीं लगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि 1 अप्रैल 2024 से जो आयुर्वेद वाला हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष कवर वाला, वो टोटल कैशलेस हो जाएगा पूरी हमारे सारे हॉस्पिटल्स में। तो पेशेंट के पैसे नहीं लगेंगे, और हिंदुस्तान में पैसे ही नहीं लग रहे ना तो लोग फ्री में कुछ भी करा लेते हैं। इसीलिए भारत में इतनी रोज हार्ट की सर्जरियां हो रही हैं, बाईपास सर्जरी, स्टंट डल रहे हैं, कीमोथेरेपी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी पकड़ा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते गलत इलाज हो रहा है, पैसे नहीं लग रहे इस चक्कर में। तो बड़ा लड़ भिड़ के डॉक्टर अनु, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर बीआरसी फूलिया जी ने बड़ी हेल्प करी, हम लोगों ने मिलकर भारत सरकार को इतनी चिट्ठियां डाली, इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन दिए कि मजबूरी में उन्होंने, मेडिकल माफिया का भयंकर दबाव है आप समझ सकते हो, फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ गया है और 1 अप्रैल से कैशलेस हो जाएगा। और एक कुछ सरकारों ने भी हेल्थ इंश्योरेंस को कवरिंग दे दी है, जैसे राजस्थान सरकार ने RGHS के नाम से योजना शुरू की है। अब इस योजना से होता क्या है, जैसे RGHS है राजस्थान में, हरियाणा में भी आ गई है, इसके अलावा दिल्ली में DGHS आ गई, CGHS आ गई, ये सब में क्या है, लोगों के पास कार्ड बने होते हैं,
वो कार्ड पहले सिर्फ एलोपैथी में चलते थे, अभी दोनों जगह चलते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने बचपन से आज तक बहुत देखा होगा आंखों के ऑपरेशन होते हैं, लोग आंखों की सर्जरी करा रहे हैं, काला मोतिया, सफेद मोतिया, कैटरेक्ट और रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा, चश्मा लगना, बड़ा कुछ है। और कभी किसी ने नहीं बोला कि आयुर्वेद के अंदर, पंचकर्म के अंदर नेत्र तर्पण, अक्षी तर्पण करके टेक्निक है कि आंखों का रोग ठीक हो जाता है। थोड़े दिन पूर्व मोदी जी ने एक वीडियो बनाई थी आयुर्वेद के ऊपर गुजरात में, तो लोगों को पता चला कि आयुर्वेद से भी आंखों की रोशनी ठीक होती है। और हमारे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा वीवीआईपी लोग भी हैं जो अभी रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मोदी जी के खुद के छोटे भाई प्रहलाद मोदी हमारे इसी हॉस्पिटल में 14 दिन रह के गए हैं, और जब वो आए थे उनके हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे, 11 साल से बीपी शुगर की गोली खाते थे, आज 6 महीने हो गए हैं, उनका 10 दिन में 8 दिन में एक डायलिसिस होता है, और बीपी शुगर की गोलियां जो 11 चलती थी वो सिर्फ 2 चलती हैं। जब वो आए थे 2-3 मिनट से ऊपर बैठ नहीं सकते थे क्योंकि रीढ़ की हड्डी में प्लेट डली हुई है, लेकिन आज वो आधा घंटा, पौना घंटा, एक एक घंटा लगातार बैठ के अपना काम करते हैं। तो कितना बड़ा आयुर्वेद की पावर है। लेकिन वही बात है, दुनिया तक बात पहुंचेगी तभी। जैसे भारती है कॉमेडियन, आप सब जानते हो, उसकी मम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बचेंगी नहीं, कुछ दिन की मेहमान है, और ये बात है दिसंबर 2022 की, और आज जनवरी 2024 भी खत्म हो गया, 25 मतलब फरवरी चल रहा है, उसकी मम्मी को एक बूंद भी इंसुलिन नहीं चल रही, एक भी उनको डायलिसिस नहीं हुआ, और मम्मी उसकी अपने रोज के सारे काम खुद करती हैं। बस मैंने उसकी मम्मी को एक आदत डाली थी कि आंटी आपने रोज झाड़ू और पोछा घर का रोज मारना है, तो उसकी मम्मी झाड़ू पोछे घर पे मारती है, और झाड़ू पोछे में होता क्या है, वो सिलाई मशीन वाला काम हो जाता है, पिंडली दबती है। तो मैं आपको बोलूँगा आप लोग भी सिलाई मशीन खरीद लो, नहीं तो घर में रोज सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू आसन में बैठ के गरम गरम पानी पिया करो, मल आसन जो इंडियन टॉयलेट स्टाइल है। अभी भी वक्त है भारतीयों को इंग्लिश टॉयलेट सीट को हटा देना चाहिए, इंडियन टॉयलेट सीट को अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें पिंडली दबती है, बिकॉज आपका सेकंड हार्ट फर्स्ट हार्ट के पास आया था। डॉक्टर बी आर सिंह जैसे भी बताया कि हार्ट अटैक की चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अब आप सीटें तो तोड़ोगे नहीं अपनी। तो हमने हॉस्पिटल में क्या कर रखा है, आप लोग अभी घूमो और देखो, हमने अपने हॉस्पिटल में हर एक सीट के आगे एक स्टूल रखा हुआ है, तो पैर हम स्टूल के ऊपर रखवा देते हैं, ठीक है पिंडली दबती नहीं है, लेकिन एक पोज जरूर बनता है, तो आपको याद जरूर आता है कि ये पोज इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठा करो, उसमें भी पिंडली दबती है। को सिखाते हैं वज्रासन, मंडूकासन और उकड़ू आसन यानी कि मलासन, ताकि आपकी पिंडली दबे, जितनी पिंडली दबेगी उतना आपके ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा और आपको बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच।